अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम एरजनजान तुर्की। हम लोग कल रात को एरजनजान पहुंच गए थे और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ऑलमोस्ट बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर। और आज का हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले हमने पहुंचना है बॉर्डर पे। और बॉर्डर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, 6 घंटे का वक्त लगेगा। और अगर बॉर्डर पे हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगता तो हमारी जो अल्टीमेट आज की जो डेस्टिनेशन है वो होगी तबरेज। तबरेज एरजनजान से 770 किलोमीटर दूर है, लेकिन बीच में बॉर्डर क्रॉसिंग आएगी और तुर्की और ईरान बॉर्डर की क्रॉसिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। कुछ पेपर वर्क होता है, कुछ वहाँ रश होता है। और पेरिस से लेके इस जगह तक हमने ऑलमोस्ट सफ़र किया है 4600 किलोमीटर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही है, जिसमें हमने फ्रांस से अपना सफ़र का आगाज़ किया था। फ्रांस के बाद जिसमें हमने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तुर्की में। और आज हमारा तुर्की में होपफुली आखिरी दिन होगा, लेकिन जितना सफ़र हमने पिछले दिनों ये किया है अभी तक हम अपने सफ़र के बिल्कुल मिड में पहुंचे हैं। एरजनजान से इस्लामाबाद का जो फासला है ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर के आसपास है। जितना सफ़र अभी कर लिया है उतना ही सफ़र अभी रहता है। और ईरान वो मुल्क है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और एंग्जाइटी भी है, क्योंकि इससे पहले मैं ईरान में कभी भी नहीं गया और ईरान में दाखिल होना इतना ईजी नहीं होता। काफ़ी पेपर वर्क, वीजाज, कारनेदी पसाज, और एक नया एक्सपीरियंस होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। रात को मैं यहाँ से आ रहा था तो मुझे गाड़ी में फील हो रहा था कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जब बाहर निकल कर देखा तो यहाँ अच्छी खासी इधर पहाड़ हैं, छोटे नहीं अच्छे खासे बड़े हैं। ये जो एरजनजान सिटी है ये बेसिकली एरजनजान प्रोविंस का कैपिटल है। बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, 1.5 लाख आबादी है शहर की। और इस सारा शहर नया बना हुआ है क्योंकि 1939 में एक बहुत बड़ा जलजला आया था तुर्की में, उसमें कहते हैं कि सारा शहर तबाह हो गया था। अच्छा, ये जो एरिया नज़र आ रहा है क्या ही बात है, क्या मैजेस्टिक किस्म के व्यूज़ हैं।
वक्त हम ईरानी तुर्क ईरान बॉर्डर से हम लोग हैं जी 270 किलोमीटर दूर। इसका वक्त ये बता रहा है जो GPS है 3 घंटा और 17 मिनट में। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहले बताया था आहिस्ता आहिस्ता खुश्की की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पता चल रहा है कि ज़मीन जो है ना उतनी हरियाली नहीं है। अभी ये कोई इनका कोई पुराना कोई फोर्ट है ऊपर पहाड़ के ऊपर नज़र आ रहा है। हमेशा ऊंची जगह पे होता था तभी पहाड़ में अगर कोई दुश्मन या कोई भी फोर्स उनके खिलाफ आ रही है तो उन्हें दूसरे देखने में आसानी हो। तो ये भी कोई वो बना हुआ है। देखो बच्चों ये देखें जी ये लोकोमोटिव आ रही है ईरान से या ईरान से लोकोमोटिव जो ट्रेन वाली इसमें सामान जाता है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। देखो एक ट्रेन में कितने सारे ट्रकों का लोड जाता है। देखो 2 इंजन लगे हैं, एक आगे इंजन है और एक पीछे इंजन लगा हुआ है। दोनों जोर लगाए हैं, चढ़ाई भी है। देखा धुआं डीजल वाली है, धुआं मारनी है। इतना खूबसूरत एरिया, इतनी खूबसूरत ड्राइव मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम किए, बहुत ही कम का बोल तो बल्कि की नहीं है इस तरह की ड्राइव। मज़ा आ गया देख के, दिल खुश हो गया ऐसी का ऐसी जगह पे आके। इस वक्त हम लोग तुर्किश ईरानियन बॉर्डर से हैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। रोड काफ़ी अच्छी थी, ये बीच में छोटा सा बैच आया कहीं 1-2 किलोमीटर आया शुरू हुए थे, लेकिन उससे पहले तो जिसका मोटरवे का स्टैंडर्ड होता है उसका स्टैंडर्ड था। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आगरी में। आगरी लास्ट प्रोविंस है इस पूरे रीजन का जिसका बॉर्डर टच होता है ईरान के साथ। और इस इलाके की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो है बेसिकली कुर्दिश तुर्किश। ये लोग अपने आप को कुर्द बोलते हैं, अपने आप को तुर्क नहीं बोलते बेसिकली। ये जो सामने आपको बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बर्फ़ भी है, ये बेसिकली है माउंट अरारात। और माउंट अरारात का जिक्र काफ़ी दफ़ा सुना होगा आपने। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो इन दो माउंटेंस के बीच में आके रुकी थी। ये माउंट अरारात एक बड़ी वाली है और एक छोटी है। जो हमें सामने नज़र आ रही है बड़ी है और जो छोटी है वो मेरे ख्याल से आर्मेनिया के पास बनती है, उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन इसका हिस्ट्री में और किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये मिथ है और कुछ लोग कहते हैं कि मिथ नहीं है, वहाँ है। मैंने भी इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें देखी थी जिसमें वाकई वो आर्क की तरह शक्ल बनी थी, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि लोगों ने कहा कि उन्होंने वैसी नकली बनाई है खुद उसकी जगह बना के, तो लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ नवाज आ गए। ये जी लास्ट सिटी है हो गई है, ट्रकों की लाइनें यहाँ से शुरू हो रही है। मुझे सामने ट्रक नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे,
कह रहा है कि 4 किलोमीटर आपने आगे जाना है, लेकिन उससे पहले ही मुझे ना ट्रकों की लाइन लगना आना नजर आना शुरू हो गया। तो देखें जी ट्रक लाइन में लगे हुए हैं, इनको तो मुझे लगता है काफ़ी दिन लग जाएंगे जाते जाते, और इधर कोई हमारी गाड़ी के अलावा मुझे कोई और दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। इन लोगों की बड़ी हिम्मत है जो इतनी देर खड़े रहते हैं। तो हिम्मत हमारी भी है इतना दूर आ गए हैं, कम हिम्मत वाले हम भी नहीं हैं। तो अभी देखते हैं हमारी हिम्मत में कितना और ये लोग ना उसमें बरकरार रखते हैं इसको। यहाँ तो नहीं आना, यहाँ तो हम बैठे देंगे नहीं ना। मैं दोबारा पूछ करता हूँ सर से क्या अभी यहाँ से हमने पहला बॉर्डर क्रॉस कराया, बॉर्डर नहीं पासपोर्ट कंट्रोल किया, उसने हमारी गाड़ी के पेपर चेक किए हैं, तो उसने कहा ठीक है जी खारिज का मतलब निकल सकते हैं। तो अभी यहाँ से ये पैदल लोग हमारे साथ साथ जा रहे हैं, और आगे देखें कि हमारा भी फर्स्ट टाइम है। After finish exit paper you give police. Okay. You go with noise to pass here danger manages. Good tap is 300 kilometers. Okay. Together report. Kapali. Iske paas hamare kaam mein hai. Kya keh raha hai? Maine le liya na. Wo mai sahi mai wo diggy band kar li. Wo keh raha hai yahan na ruki. Yahan dangerous hota hai. कहता है यहाँ से ना जाओगे 2 किलोमीटर पुलिस रोकेगी, उसको कागज़ देना तुम्हें ये इसमें। ओके जी नाजरीन हम लोग आ गए हैं ईरान में, तकरीबन 2 घंटे लगे होंगे। एक एजेंट था उसने मुझे काफ़ी काम करा के दिया, उसको मैंने 20 यूरो और उसने 20 तुर्की लीरे भी ले लिए हमारे से, 21 यूरो हमारा बिल बन गया जी तो सर्विस के। तो जो दूसरा वाला है उसको कहता है मुझे कोई गिफ्ट दो, लेकिन इतनी देर नहीं लगी, सिस्टम सादा सा बस आते हैं कार्ड लेते हैं। ये अगर नेक्स्ट टाइम बंदा है तो बंदा आगे खुद भी कर सकता है, इससे पहले ही किसी बंदे को अपना करके रखें ताकि बंदा टेंशन फ्री होकर निकलता है। तो इनको ज़बान आती है और फिर होते भी देर आते हैं, लेकिन यह 20 यूरो में अगर मैं खुद होता तो शायद मुझे काफ़ी देर लग जाती ये काम कराते हुए। अभी ये है कि यहाँ से हम निकलते हैं, आगे जाके देखते हैं। सिम कार्ड हमने कहीं से लेना है, मुझे तो किसी ने कहा था कि वहाँ ही से ही ले लेना, वो भी मैं देखता हूँ सिम कार्ड कहाँ से मैं ले लिया। चलो रहे नया मुल्क ईरान। हम यहाँ से निकल
किलो कहाँ आ गए? इंश्योरेंस किधर है? इंश्योरेंस को क्या नाम है? Pakistan. Oh, okay. Thank you very much. Bye. चौक आएगा वहां से पे कहता है वो सारे बैठे होते हैं तो अभी अच्छा हुआ ना हमने डीजल तो ला दिए टेंशन नहीं आसे सीधा तो मेरे साथ 300 किलोमीटर है यहां सिम ले लो सबसे पहले सिम मैंने से पूछा था ना कहता वहां तो बेस है यहां से अभी से दिल्ली तो चाहिए सर पैसे क्या भी रहा था लेने का बंदा मैंने पता नहीं क्यों नहीं आज से ये देखें जी अभी मैंने ना 50 यूरो चेंज कराए हैं पता नहीं समझे कितने दिए हैं मैंने नहीं गिने तो उसके बाद मैंने सिम कार्ड खरीदी है इसे 260,000 की सिम कार्ड आई है अब वो कितने बनते हैं ये भी मुझे नहीं पता मैं साहब आगे बताऊंगा लेकिन इनके नोट जो है ना वैसे ही बंदा अमीर अमीर लगना शुरू होता है पता नहीं इसका आता क्या होगा ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं भी अपने आप को बड़ा अमीर अमीर फील कर रहा हूँ चलो जी फर्स्ट रोड है देखें कैसी है इनकी बॉर्डर का एक्सपीरियंस ठीक था एक आपकी सर्विस के पैसे नहीं उसके मैंने दिए उसको 20 यूरो दिए 21 यूरो लाकर और दूसरी बात जो तुर्का था वो कहता नहीं गिव मी वेयर इज़ माई गिफ्ट मैं तेरा गड़ा गिफ्ट लगा टिपिकल नॉर्मल जैसे कंट्रीज होते हैं हमारे जैसे पाकिस्तान टाइप उस तरह रोड है ठीक है आहिस्ता आहिस्ता हमें गंद भी नज़र आना शुरू हो गया लेफ्ट राइट पे आगे जाके उसका साफ हो जाए उसके बाद ड्राइविंग स्टाइल टोटल जंगली एज कम्पेयर टू तुर्की बंदे भी जो थे तुर्की पता चलता है वो साफ हो गए अभी तो हमने इनका तो मुझे देखा नहीं वैसे सुना चाहिए कि ये भी काफ़ी साफ है तुर्की लैंग्वेज तो बिल्कुल ही जो बोर्ड लगे होते बिल्कुल ही समझ नहीं लगते थे ना क्या लगा देखिए ट्रक आ रहे हैं आपको अभी पहले मैं देख रही हूँ पुराने वर्ष से चलते हैं यहाँ में आपको पता ही है पाबंदियाँ इस मुल्क में तो उसकी वजह से मुल्क काफ़ी वो है पीछे है बाकी मुल्कों से लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें बाकी काफ़ी सारे मुल्कों से आगे भी है तो मैं अगर गाड़ी ध्यान से चलाता हूँ सड़क अजीब से ये ना हो कि यहाँ से इसका ऑयल सम्प जो है लग जाए नीचे छोटी हुई है साइड उसे बैठी हुई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे रहती है इसका जो रोड क्लियरेंस है अच्छा ईरान में एंटर होते साथ ही जो मुझे सबसे हैरत अंगेज बात जो लगी है ना वो ये लगी है कि देखें अभी कितना हमने ज़्यादा 20-25 किलोमीटर सफ़र किया होगा ईरानी बॉर्डर से लेके यहाँ तक लेकिन इस 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर जो ज़मीन है उसका रंग उसके दरख्त उसका हरियाली
वो ऐसे बदली है, ऐसे लग रहा है मैं तो उठ के पाकिस्तान में आ गया हूँ, बलूचिस्तान के इलाके में बिल्कुल उस तरह आ गया है। बलूचिस्तान में थोड़ी सी हरियाली से कम है, लेकिन इवन देन बिल्कुल देखें उसी तरह पहाड़ जैसे क्वेटा में गाड़ियाँ तो इनके बाद माशाल्लाह ऐसी टूटी हुई गाड़ियाँ बंदा देखेंगे। और बड़ी मुहतात होकर गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं जा रहा था तो ऐसे डबल रोड थी, सीधा जा रहा था आगे देखा मेरे मुंह के सामने गाड़ी आ गई, मैं कहा ये कहाँ से आई, पता चला कि वो बस आगे से रोड कूदी ना बगैर किसी निशान के बगैर किसी उसके तो सीधी हो गई है, डबल हो गई, पहले सिंगल रोड थी अब डबल हो गई, मतलब टू वे ट्रैफिक आने शुरू हो गई थी उस पर। तो चलते हैं ड्राइविंग करते हैं, यहाँ से हमारी मंजिल है कितने किलोमीटर दूर है, 200-250 किलोमीटर तक। जो रोड है बड़ी अच्छी रोड है, मतलब तुर्की जैसी तो नहीं है लेकिन स्टिल वेरी गुड रोड। तो मैं अभी देखें थी 126 पे जा रहा हूँ, तो 125 पे आराम से गाड़ी जा रही है, तेज़ भी जा सकता हूँ लेकिन रोल अप ये है कि इस स्पीड पे जाते जाते बीच में आउट ऑफ नो वेयर स्पीड ब्रेकर आया था और मैंने 2-3 दफ़ा बड़ी मुश्किल से गाड़ी रोकी है, मैं कहा ये तो थोड़ा ना हिसाब किताब रख के गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो बस स्पीड ब्रेकर का थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, अभी आप नए मुल्क में आते हैं खास तौर पे इस टाइप के मुल्क में जहाँ थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन कम होते हैं, पाकिस्तान भी ऐसा ही है, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होते आपकी ड्राइविंग हैबिट्स को एडजस्ट होते हुए। तो बस हमारी ड्राइविंग हैबिट्स एडजस्ट हो रही हैं, हम दोबारा पाकिस्तानी मोड पर आ रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह ताला सफ़र गुजर रहा है, ज़बरदस्त गुजर रहा है। डीज़ल मैंने डाला हुआ था तुर्की से डलवा लिया था, मैंने कहा यहाँ मेरे पास पैसे होंगे नहीं होंगे, पहली दफ़ा जा रहा हूँ बीच में, कोई आइडिया नहीं होता ना आपको कि पेट्रोल पंप आएगा नहीं आएगा, तो सही है तो मुझे पता है लेकिन कैसी क्वालिटी होगी क्योंकि थोड़ा दूर है ईरानी पेट्रोल वैसे डीज़ल अच्छा नहीं है, डलाना तो हमने उसके बाद वही है, लेकिन चलो जब आप बड़े शहर में चले जाते हैं वहाँ पेट्रोल पम्प्स होते हैं, यहाँ पता नहीं कौन से ड्रमों में आता होगा, बीच में जंग होता है और आपको होता है जंग सबसे बड़ा दुश्मन है डीज़ल के इंजेक्टर्स का, पेट्रोल के इंजेक्टर फिर चल जाते हैं डीज़ल के इंजेक्टर नहीं चलते, हल्की सी कंटेमिनेशन आ जाए ना उसमें डीजल इंजेक्टर फर्क हो जाता है। तो मेरे पास कल की एक वीडियो थी जिसमें मैंने कल गाड़ी में काम कराया था, अनलकीली वो कार्ड मेरा करप्ट हो गया, उसमें गाड़ी की मेरी आवाज़ आ रही थी, मैं बड़ा परेशान था, मैं समझा मेरी गाड़ी के टायर ख़राब है, तो वो पता ये चला कि वो गाड़ी का टायर नहीं ख़राब, उसका एक व्हील पेनिंग ख़राब है। तो एक आदमी था उधर, अच्छा गराज था उसका, इंग्लिश बोलता था, बर्लिन का रहने वाला था, तो तुर्की से वापस आ गया वहाँ से, तो फिर उससे मैंने गाड़ी की चारों टायर अलाइन कराए, फिर बैलेंस कराए सॉरी, फिर उसके बाद अलाइनमेंट कराई और एक व्हील बेयरिंग चेंज कराया, तमाम काम पे 2-2.5 घंटे मेरे इतने तो लग ही गए होंगे, लेकिन यह कि उसके बाद से गाड़ी ज़बरदस्त मेरी चल रही है, तो गाड़ी कोई मसला नहीं कह रही, परफेक्ट जा रही है। यहाँ के डीज़ल पर आके देखें क्या होता है, मैंने हिफाजती तौर पर मैंने 2 रख ली हैं, एक मैंने कैटरी कन्वर्टर क्लीनर और एक मैंने रख लिया है डीज़ल इंजेक्टर क्लीनर, वो जब यहाँ से 2-3 टंकियाँ चला लूँगा तो बीच में एक दफ़ा डाल देंगे उसको, ताकि अगर कोई कचरा कुचरा है या कोई भी इस तरह कोई चीज़ है तो वो साफ हो जाए। वैसे मुझे उम्मीद है कि मेरी गाड़ी प्रॉब्लम नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर मैंने नया डीज़ल इंजेक्शन पम्प डालना पड़ा था, ख़राब हो गया था, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि इधर आके तुर्की में इसके इंजेक्टर जो है ना वो भी प्रॉब्लम कर रहे थे, फिर मुझे वॉश वालों के पास जाके सारे इंजेक्टर्स इसके वहाँ से ना मुझे रिपेयर करवाने पड़े। तो लिहाजा वी आर इन ईरान सेफ एंड साउंड, बड़ी खुशी हो रही है, एक नया मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं आते हैं, देखें रेस्ट एरिया आया 1000 मीटर बाद, रेस्ट एरिया जाके देखते हैं या फिर मेरा दिल है कि थोड़ी सी गाड़ी और चला लें उसके बाद रेस्ट एरिया रोकते हैं, क्योंकि वी आर स्टिल वेरी नियर टू द बॉर्डर। और मुझे नहीं पता मेरे उस एजेंट ने मुझे क्यों कहा, कहता है अली डोंट स्टॉप द कार इन द सिटी, वेरी इट्स डेंजरस, गो स्टॉप द कार इन तबरेज़ 300 किलोमीटर्स। लेकिन फिर भी मैं तो रुक गया था, पैसे वगैरह चेंज कराए हैं, सिम कार्ड लिया, तो बच्चों को दबा के भूख लगी है और उनको खाना खिलाना है। ये देखें जी बच्चों की शक्लें कैसी हो गई हैं, एक ये बच्ची है और एक वो बच्चा है और ये मैं हूँ और ये हमारी कार है और हमारी पार्टी हो रही है।
के ना 8:15 बज रहे हैं और मगरिब को मेरे ख्याल से आधा घंटा ही रह गया होगा, ऑलमोस्ट अंदाज़ा नहीं है मुझे। तो मेरा भी 164 किलोमीटर फासला बाकी है, उसके लिए 2.5 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये है कि रोड अच्छी खासी आ गया ना, स्लो स्पीड हो रही है। तो भूख तो लगी है, खाना खाने दिल भी कर रहा है, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बेहतरी सी है कि जितने अरसे तक ये लाइट आ रही है, सूर्य से साल लाइट है, इसको इसे फ़ायदा उठाएँ और हम चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ का ये बड़ा रोड है, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने बना दिया, इसलिए यहाँ बंदा तेज़ नहीं चल सकता क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आगे से आउट ऑफ नोवेयर कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आया था। अच्छी खासी मैं स्पीड पे जा रहा था, 70-80 किलोमीटर पर ऊपर था, आगे स्पीड ब्रेकर आ गया और मेन रोड पे आता है। बाहर से प्लस्टर भी नहीं किए हुए, गुर्बत बहुत है शायद यहाँ, लेकिन मैं सब ये सोच रहा था कि एक मुल्क का सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके साथ किस तरह लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में, लोगों के रहन सहन के तरीके में, उनके खाने में, उनके लिबास में, उनकी सोच में, उनकी हर चीज़ में किस तरह फ़र्क आया था। है क्या एक बॉर्डर ही है, तो लिहाजा कितना असर होता है उस गवर्नमेंट का उस मुल्क के लोगों पर, यहाँ से पता चलता है। आप यूरोप में दाखिल होते हैं आपको नहीं पता चलता कि डिफेंस फूल फील नहीं होता, बॉर्डर है भी नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉपर भी आके मैं फील हो रहा है या मैं वाकई किसी दूसरे मुल्क में मैं आ गया हूँ। ऐसा भूख मुझे लग रही, थोड़ी देर ना आप इंतजार करो, सही है, थोड़ी ज़्यादा देर ठीक है, पता क्यों अंधेरा हो जाएगा फिर हमें नज़र भी नहीं आएगा। ईरान का झंडा उतार के पाकिस्तान का लगा दें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में गाड़ियाँ स्टैंडर्ड इनसे बहुत अच्छा है, इन क्लास से चलती है, पुरानी सी पीजो है 508, ये 206 बढ़ा है, कहाँ से बड़ी अच्छी गाड़ी होगी इनके लिए। लेकिन 93 में मैंने देखी तस्वीरें वगैरह नाम भी नोट किया, ये जो ब्लू गाड़ी है इनकी लोकल गाड़ी है जी, अपनी बनाते हैं, इनका पता नहीं क्या नाम है। अभी हमने पिज़्ज़े ख़रीदे और इतना टाइम पिज़्ज़े ऑर्डर करते हुए नहीं लगा जितना टाइम मुझे पैसे गिनते हुए लगा। ₹32,10,000 मेरा बिल बना जो कि 7 यूरो बनते हैं टोटल, तो इनकी करेंसी खासी लो है। इसके बाद हम जाते हैं होटल देखते हैं, फिर आप बताते हैं। वो दादा तो खाना इनका इतना फीका कि खाने दिल ही नहीं कर रहा है, हमने कहा जो फीका खाना है तो मीठा ही बना रहा, पिज्जे के साथ केचप लगा के खा रहे हैं अभी। और क्या मंगाया था, क्या मैं खुश हो गया था, फिर मैंने देखा था पैकेट वाले चिप्स, कौन से आपने क्या मंगवाया था, उनकी स्पेशल डिश थी जी, और तो सामने आया था, मैं समझा था कि पिज्जा था, असल में वो था क्या था, इसके पैकेट के तो उसके ऊपर चीज डल दिए थे।